हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये टेस्ट नंबर 3 है, कुछ क्वेश्चंस इसके बचे थे तो उनको कर लेते हैं। 101 से करना है, 150 पूरा यहाँ पे कर लेंगे। यूपीपीसीएस प्री 2023 दृष्टि, ठीक है, टेस्ट नंबर 3। चलिए 101 देखिए, यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस राज्य में दिया था। इन सब चीजों से हम लोग अवेयर है। सारनाथ इसका करेक्ट आंसर है, वाराणसी में स्थित है। अगर स्पेसिफिक प्लेस पूछे तो हिरण पार्क लगा देना, हिरण पार्क ये सारनाथ में स्थित है, ठीक है। और वाराणसी है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 102 देखिए, कथन कारण का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ट्राई ट्राई पार्टाई जो स्ट्रगल था, त्रिपक्षीय संघर्ष, चालुक, सातवाहन और पाल, ये बात सही लिखी है कि गलत लिखी है? ये गलत लिखी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पे मैं इंडिया का एक रफ मैप बनाता हूँ। यहाँ पूरम में कौन लोग एक्टिव थे? पूरम में पाल थे, यहाँ पे पाल थे ईस्टर्न साइड में। अगर वेस्टर्न साइड की बात करें तो यहाँ पे प्रतिहार थे, ठीक है, प्रतिहार। और अगर डेक्कन रीजन की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रकूट एक्टिव थे, ठीक है, राष्ट्रकूट। तो ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था ये प्रतिहार में, पाल में और राष्ट्रकूट में था, ना कि सातवाहन है। सातवाहन लिखा ना, तो ये गलत कर दीजिए। और इन तीनों जोन का जो जंक्शन बनता था, ये रीजन बनता था, और इस रीजन में आता था कन्नौज, ठीक है, कन्नौज। तो यहाँ पे कारण सही लिखा है, कन्नौज शहर इस शक्ति का प्रतीक था। ये तीनों राजवंश सिर्फ कन्नौज पर नियंत्रण के लिए ही लड़ते रह गए, और फिर क्या होगा अंत में, कमजोर पड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे कथन गलत है, हार सही है। 103 देखिए, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना किस तिथि को शुरू की गई थी। अब देखिए यहाँ पे नगर निर्माण लिखा हुआ है, तो नगर निर्माण में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? सीवरेज की व्यवस्था करानी है, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करानी है, पार्किंग, ये सारी व्यवस्था रहे, सैनिटेशन यानी स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, रोड कंस्ट्रक्शन, स्कूलों का निर्माण कराना है, आंगनबाड़ी केंद्र जो है, ये सारी चीजें इस नगर निर्माण योजना के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और इसको शुरू किया गया है 27 जुलाई 2022 को, 27 जुलाई 2022। यहाँ पर डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्पेसिफिक यूपी के बारे में है ना, तो रटना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। और इन सब क्वेश्चंस में कोशिश किया कीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल आप ब्लैंक हैं, तो इसको टच भी नहीं कीजिए, कोई मतलब नहीं है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। आप क्वेश्चन को अन अटेम्प्ट करके, यानी अटेम्प्ट ना करके भी जीत सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखना मेरी। जिस क्वेश्चन में आप पूरी तरीके से ब्लैंक हैं तो उसको बिल्कुल भी टच मत कीजिए। चलिए यहाँ पे 104 देखें, 104 में मिशन कुशल कर्मी के बारे में पूछा गया है। मिशन कुशल कर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस स्कीम के बारे में दो चार बातें याद रखिए। मिशन कुशल कर्मी जो है, इस स्कीम को, इस मिशन को लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, पहली बात। दूसरी यहाँ पे जो बात है वो आप इस मिशन का जो नाम है उसी से समझ सकते हैं, कुशल कर्मी, यानी जो कर्मी है इनकी कुशलता में वृद्धि करना है, उन्नयन करना है, अपग्रेड करना है। कुशलता यानी स्किल, और कर्मी यानी कोई भी कर्मी, लेबर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो सकता है, यानी श्रमिक। इन्हीं की जो स्किल्स हैं, ठीक है, इन्हीं की जो स्किल्स हैं इन्हीं को अपग्रेड करना है। पहला पढ़िए, इस प्रोग्राम को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया, गलत हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिल्ली गवर्नमेंट हो जाएगा। दूसरी बात है, योजना के तहत COVID-19 के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये पॉइंट भी गलत है। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव देख ही लिया है, ठीक है। और जैसा इसका नाम है मिशन कुशल कर्मी, उस हिसाब से दूसरा जो फैक्ट लिखा है, दूसरी बात जो लिखी है, वो तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है, तो आप इजिली दो को गलत ही मानते हैं। यहाँ पे दोनों बातें गलत हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 105 देखिए, यहाँ पे मिलाइए इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, INC के जो सेशन हुआ करते थे, शुरुआत कब हुई थी? INC की स्थापना हम लोग 1885 पढ़ते हैं, है ना, 1885 मुंबई। इसमें जो सबसे आसान है उसको पकड़ लीजिए, सरोजनी नायडू के बारे में हम लोग जानते हैं। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जिसने INC की किसी मीटिंग को या फिर किसी सेशन को चेयर किया था, और ये सेशन हुआ था 1925 में, और 1925 में कहाँ पे हुआ था, कानपुर पढ़ते रहते हैं, है ना। तो डी का वन मिला दीजिए, तो डी का वन यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं के संबंध में अगर क्वेश्चन आता है सेशन के रिगार्डिंग, तो पहली लेडी एनी बेसेंट थी, लेकिन वो भारतीय तो थी नहीं, इसलिए भारतीय महिला जो पहली थी वो सरोजनी नायडू, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ महिला लिखा रहे तो फिर एनी बेसेंट लगाना है। और जो शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन हुए, इसको हम लोग इस कोडिंग से याद रखते हैं,
बकमई बकनासिक, पहला सेशन बंबई, दूसरा सेशन कलकत्ता, तीसरा सेशन मद्रास, चौथा सेशन इलाहाबाद, पांचवा सेशन बंबई, छठवां सेशन कलकत्ता और ये नागपुर। जॉर्ज यूल ने इलाहाबाद का जो कांग्रेस सेशन था उसको चेयर किया था, 1988 में हुआ था, ठीक है। चौथा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस कोडिंग से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे मैं इलाहाबाद लिख दे रहा हूँ। आरसी दत्त साहब ने चेयर किया था लखनऊ के सेशन को, और जी के गोखले साहब, जी के गोखले साहब वाराणसी, इंपॉर्टेंट है ये वाराणसी, हो जाएगा ना ये तो। चलिए 106 देखिए, यहाँ पे कथन में क्या लिखा है, सैयद ब्रदर्स जो थे हसन अली और हुसैन अली, इनको जाना जाता है किंग मेकर्स ड्यूरिंग द लेटर मुगल एरा, यानी सैयद बंधुओं को राजा बनाने वालों के रूप में जाना जाता था, ठीक है, पहली बात सही है। कारण में लिखा है, मुगल साम्राज्य इतना विशाल एवं बोझिल हो गया था कि उसे किसी कमजोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षता पूर्वक प्रशासित नहीं किया जा सकता था। मुगल शासन के बारे में आप लोगों ने पढ़ के रखा है, यहाँ पे जो नेचर हुआ करता था मुगल साम्राज्य का वो कैसा था, डिक्टेटरशिप वाला था, राजा तानाशाह हुआ करता था, निरंकुश था। आप अपनी नीतियों को, आप अपनी पॉलिसीज को लिबरल रखेंगे, उदार रखेंगे तो ठीक है शासन चलता रहेगा, और अगर यही इंसान उदार की जगह कठोर हुआ और कठोर के साथ साथ अयोग्य भी है, शासन को चलाने के लिए कैपेबल ही नहीं है, तो फिर साम्राज्य का क्या होना है, मिट्टी में मिलना तय है। तो लेटर मुगल एरा में जो राजा आए उनका यही हाल था, यानी ये दोनों बातें अलग अलग सही हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 107 देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग ने निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, करेक्ट आंसर है कू। कू एक क्या है, ये एप्लीकेशन है, एक ऐप है, यह एक ब्लॉगिंग ऐप है, इसके माध्यम से यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रचार कराना है बस अपने प्रोडक्ट का, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से संबंधित जो भी यहाँ पे मटेरियल है या फिर प्रोडक्ट है, इन्हीं सभी प्रोडक्ट की स्ट्रीमिंग करानी है, प्रचार प्रसार कराना है, और ये काम कौन करेगा, कू ऐप करेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये किसके लिए जाना जा रहा है, एक्सपोर्ट के लिए है ना, इसी स्कीम के तहत हमें अपनी यानी उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है इसको $1 ट्रिलियन करना है, और इस काम के लिए एक कंसल्टेंट भी नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसका नाम क्या है, डेलॉइट इंडिया, ठीक है, डेलॉइट इंडिया। चलिए 108 खादी और ग्राम उद्योग आयोग जो है KVIC जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछा है, करंट PDF जो है उसमें ये सारी चीजें हम लोग कवर करते रहते हैं, ये किस प्रकार की संस्था है, रेगुलेट कैसे होती है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करती है, तो मिनिस्ट्री में बता दे रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री है MSME, MSME के अंतर्गत ये संस्था काम करती है, ये कमीशन काम करता है, और इस कमीशन को एक्ट के द्वारा बनाया गया, वो एक्ट था 1956 का, एक्ट का नाम है खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम। तो जो जो भी संस्था एक्ट के द्वारा बनाई जाती है वो संस्था कैसी होती है, स्टेट्यूटरी बॉडी होती है ना, स्टेट्यूटरी यानी सांविधिक संस्था। चलिए ये तो बेसिक बातें होंगी, यहाँ पे वर्तमान अध्यक्ष अभी जो है वो है मनोज कुमार, सी ऑप्शन सही है, मनोज कुमार को चेयरमैन चुना गया है। 109 में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताइए, क्या है इसमें, हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के बीच व्यापार हेतु लोथल एक विक्रय केंद्र था, ठीक है, लोथल की लोकेशन आप देख रहे हैं गुजरात में, और यहाँ पे सुविधा क्या थी, सुविधा थी पोर्ट वाली, बंदरगाह वाली, तो यहाँ से बिजनेस होता था, एक्सपोर्ट होता था, अपने समय का ट्रेड सेंटर तो था ही ना ये। दूसरी बात है, धौलावीरा सिंधु घाटी के सभी शहरों में सबसे बड़ा था, तो ये बात तो गलत है, सबसे बड़ा मोहन जोदड़ो था, ठीक है, मोहन जोदड़ो 200 हेक्टेयर में है, 200 हेक्टेयर में था। चलिए एक होमवर्क कीजिए, यहाँ पे मेसोपोटामिया सभ्यता का जिक्र हुआ है तो बताइए ये किन नदियों, यहाँ पे नदियों पूछा जाता है, वो नदियां कौन सी हैं जिनके पास इस सभ्यता का उदय हुआ था, विकसित हुई थी ये सभ्यता। मैं ये रिवर बता दे रहा हूँ कहाँ पे, ये इराक में है, मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में ही है ना, यहीं विकसित हुई थी, तो आप इन नदियों का नाम बताइए, क्वेश्चन कई बार पूछा है PCS में, यहाँ पे दूसरा गलत है पहला सही है। चलिए 110 बताइए, मुगल काल के संदर्भ में यहाँ पे देखिए, किसी मनसबदार का पद और उसका वेतन उसके जात से स्वतंत्र होता था, ये बात गलत लिखी हुई है, क्योंकि जात की संख्या जितना ज्यादा होती थी उस इंसान की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती थी। मनसबदार यहाँ पे लिखा है, मनसब का मतलब पोस्ट होता है, ठीक है, पद होता है। मुगल काल में ये राजस्व भूमियां होती थी, राजस्व जमीन होती थी, यानी यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, ठीक है, और इन मनसबदारों को सैलरी के रूप में इन्हीं राजस्व जमीन को दिया जाता था, ठीक है,
तो फिर इस राजस्व जमीन से जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होता था वही इनकी सैलरी होती थी। क्लियर है? यानी नगद सैलरी नहीं दी जाती थी इनको, ये राजस्व जमीन दी जाती थी। इसी को जागीर बोलते थे, इसी को जागीर बोलते थे। दूसरी बात है, पांच भागों में लिखे गए अबुल फजल के अकबरनामा। एक बात यहां से सीखने को मिल रही है, अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने। ठीक है, अकबरनामा को अबुल फजल ने पांच भाग में नहीं लिखा, तीन भाग में लिखा था, जिसमें से पहला भाग जो था अकबरनामा का, इसमें अकबर के जो पूर्वज थे उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। दूसरा भाग अकबर की जो इवेंट्स थी, अकबर के शासनकाल में जो इवेंट्स थी, घटनाएं थी, उनका जिक्र है। और तीसरा जो भाग था अकबरनामा का, ये खुद आईने अकबर ही है। ठीक है, ये आईने अकबर ही है। तो यहाँ पे ये जो पांच भाग लिखा है तो गलत हो गया, तीन भाग में लिखा गया है ना। दूसरा गलत कर दीजिए, पहला भी गलत था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, 111 में मिलिंद पन्हों के लेखक कौन है? आसान सा प्रश्न है, नागसेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नागसेन थे कौन? ये बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, ये बात है 150 BC की, और इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये कश्मीर में निवास करते थे, ये जम्मू कश्मीर के निवासी थे, जम्मू कश्मीर के निवासी थे। मिलिंद मिलिंद नाम के एक राजा हुआ करते थे जिन्हें यूनानी भाषा में मेनांडर बोलते थे। ठीक है, ये मेनांडर जो था वही मिलिंद था। ये जो मेनांडर था, यूनानी शासक मिलिंद था, इससे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे। इन्हीं प्रश्नों का वर्णन है मिलिंद पन्हों में। 112 में उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? उत्पल वंश का संस्थापक था अवंती बर्मन। ये एक्टिव थे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का एक शासन हुआ करता था उत्पल वंश। 113 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में बताना है, रूरल लाइवलीहुड मिशन। पहली बात इस मिशन में याद रखिए कि ये जो मिशन लॉन्च किया गया है, आजीविका मिशन, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, महिला सशक्तिकरण के लिए है। ये सशक्तिकरण यूपी गवर्नमेंट कैसे करना चाह रही है? इस मिशन के तहत इनको रोजगार से जोड़कर। ठीक है, रोजगार से जोड़कर रोजगार दिया जाएगा, रोजगार से संबंधित जो भी एक्टिविटी होंगी इन महिलाओं को जोड़ा जाएगा। कितनी महिलाओं का टारगेट रखा है इनने? 66-66 लाख महिलाओं को रोजगार से संबंधित एक्टिविटीज में ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो ये जो दूसरी बात में लिखा है यहाँ पे 95, यहाँ पे 55 लाख महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये गलत हो गया, 95 नहीं है, ये फिगर आपको याद रखना है, 66 लाख। दूसरी बात गलत हो गई, पहली बात तो सीख ली थी। इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए 5 वर्ष का रोड मैप तैयार किया। ठीक है, पहली बात ठीक है, दूसरी बात गलत होगी। तीसरे में लिखा है निर्मित रोड मैप के तहत प्रदेश में 5 वर्ष के भीतर 10 लाख से अधिक नए आजीविका क्लस्टर बनेंगे, तो यहाँ पे ये 10 लाख का फिगर भी गलत है। यहाँ पे क्लस्टर जो बनेंगे 50 लाख, 5 लाख 50 हजार, 5 लाख 50 हजार। और चौथा लिखा है मिशन द्वारा 5 वर्ष के रोड मैप के लक्ष्य को 6 माह यानी आधे साल, 1 साल, 2 साल और 5 साल यानी 4 भागों में बांट दिया, 4 समूह में बांट दिया गया। ठीक है, ये बात सही है, पहली बात सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा सही है, तो 1 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट और तरीके से भी पूछे जा सकते थे, जैसे एक स्टेटमेंट पूछा जा सकता था कि ये महिला सशक्तिकरण के अलावा किसी और को भी यहाँ पे ऐड करने की बात कर सकते थे, यहाँ पे ST और ST वर्ग के जो मेल और फीमेल है इनको भी ऐड किया जा सकता था। तो फीमेल तो ठीक है, फीमेल तो सभी आ जाएंगी, सभी वर्ग की आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे पुरुष वर्ग यहाँ पे गलत कर देना। ठीक है, चलिए 114 देखिए, यहाँ पे मिलाइए डेट को डे से मिलाइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पढ़ते हैं 8 मार्च, सी का 3 लगा दीजिए, सी का 3 दो ऑप्शन में। विज्ञान दिवस पढ़ते हो 28 फरवरी को, ए का 2 लगा दीजिए, तो यहाँ पे भी ए का 2 है, जो सबसे आसान थे वहां पे आपको कंफ्यूज कर दिया इसने। यहाँ पे नया दिवस है आपके लिए, वैश्विक क्षमा दिवस, ग्लोबल फॉरगिवनेस डे, वैश्विक क्षमा दिवस, ये नया है तो ध्यान रखना 7 जुलाई को। बाकी हम लोग जानते थे विश्व पर्यटन दिवस, ये 27 सितंबर को होता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 115, निम्नलिखित किसान आंदोलन पर विचार करें और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बिठाएं। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की गई थी 1918 में, एक आंदोलन की स्थापना की गई थी 1921 में। मदारी पासी का नाम जान रहे ना, मदारी पासी संस्थापक थे, मदारी पासी। और अखिल भारतीय किसान सभा 1936, स्वामी सहजानंद हम लोग पढ़ते हैं, एनजी रंगा पढ़ते हैं, 1936 याद रखना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्वामी सहजानंद और एनजी रंगा, एनजी रंगा।
उत्तर प्रदेश किसान सभा के जो संस्थापक थे, गौरी शंकर मिश्र का नाम हम लोग पढ़ते हैं, गौरी शंकर मिश्र का, और अवध किसान सभा प्रतापगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी 1920 में बाबा रामचंद्र के द्वारा, बाबा रामचंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे मिला लेना, पहले नंबर पे यही हो जाएगा, 1918 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। 116 में देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में बताइए, महात्मा गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औद्योगिकीकरण का समर्थन किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट नहीं किया था गांधी जी ने, बड़े बड़े कारखानों के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था कौन सुधारना चाहता था, जे एन नेहरू, तो औद्योगिकीकरण के लिए जाने जाते हैं जे एन नेहरू। गांधी जी तो बस इतना ही चाहते थे कि जो रूरल इकोनॉमी है ये रिवाइव हो जाए फिर से। दूसरी बात में जे एन नेहरू आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे, आधुनिक राज्य जो यहाँ पे लिखा है मॉडर्न स्टेट, मॉडर्न स्टेट में बिलीव करते थे जे एन नेहरू, स्टेट में बिलीव करते थे, है ना, स्टेट मतलब समझ रहे हो ना, यानी ये प्रॉपर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, एक राज्य की जो सत्ता होती है उस पर विश्वास करते थे जे एन नेहरू। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी साहब को देखें तो ये तो स्टेट पे बिलीव ही नहीं करते थे, स्टेट की जो सत्ता है, राज्य की जो सत्ता है, इस पे बिलीव नहीं करते थे। गांधी जी इस बात पे विश्वास करते थे कि किसी भी इंसान को रेगुलेट करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए किसी स्टेट की जरूरत नहीं है, किसी एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं है, उसको खुद इतनी समझ है कि वो खुद से अपनी अंतरात्मा से भी सुधार ला सकता है खुद में। बट ये चीज बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है ना आज के समय में तो फिलहाल, क्योंकि अपनी अंतरात्मा पर काम करना, अपनी इच्छाओं पर काम करना इजी टास्क नहीं होती है, बहुत कठिन कार्य होता है। 117 में क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, यह समझौता किया गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में। 118 में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को शायद कर भी चुके हैं DIAS में, मैंने बताया था ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, हर साल के जुलाई महीने की 3 तारीख को इस दिवस को मनाया जाता है, इंटरनेशनल प्लास्टिक डे। इस दिवस का दूसरा नाम भी है तो कंफ्यूज मत हो जाना, प्लास्टिक बैग फ्री डे, ठीक है, प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई। 119 में देखिए, बौद्ध परिषद यानी जो बौद्ध काउंसिल हम लोग पढ़ते हैं, चार्ट पढ़ते हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं वैसे कई बार, मैं आपका यहाँ पर रिवाइज करा दे रहा हूँ फिर से, जल्दी से देखिए। पहली बौद्ध काउंसिल 483 BC में हुई, 483 BC में राजगृह में, और उस समय जो पेट्रॉन थे, शासक थे, वो अजातशत्रु थे। दूसरी बौद्ध काउंसिल 100 साल बाद 383 BC में वैशाली में, और पेट्रॉन थे काल अशोक। तीसरी बौद्ध काउंसिल 250 BC में पाटलिपुत्र, पेट्रॉन थे अशोक। और चौथी बौद्ध काउंसिल 98 AD, कहीं कहीं 72 AD लिखा है, NCERT 98 AD लिखती है, ठीक है, कहीं कहीं आपको 78 AD भी दिख जाएगा। हुई कहाँ पे थी, कुंडलवन, ये कश्मीर की जगह है, और पेट्रॉन थे कनिष्क। कर लेंगे, इन मीटिंग्स को चेयर किस किसने किया था ये भी पूछा जाता है, चेयरमैन पूछा जाता है, तो पहली मीटिंग को आप चेयर करा देना महाकश्यप से, दूसरी मीटिंग को चेयर करा देना सब्बा कामी से, तीसरी मीटिंग को चेयर करा देना आप मोगलीपुत्र तिस्स से, और चौथी मीटिंग आपको चेयर कराना है बसुमित्र से। बसुमित्र चेयरमैन थे चौथी बौद्ध काउंसिल में, और 22 चेयरमैन जो थे वो अशुभोष थे, ठीक। तो हो जाएगा यहाँ पर राजगृह पहला हो जाएगा, वैशाली दूसरा हो जाएगा, पाटलिपुत्र तीसरा, और कश्मीर चौथा, चलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 120 देखिए, यहाँ पे हम्पी के बारे में पूछा है, हम्पी एक जगह है जिसको विजयनगर साम्राज्य का एक समय पर न्यूक्लियस भी बोला जाता था, केंद्र बिंदु भी बोला जाता था। हम्पी में एक टेम्पल बहुत फेमस है जिसका नाम है विजय विट्ठल टेम्पल, विट्ठल ये विष्णु भगवान के अवतार हैं, ये टेम्पल पूछा जाता है अक्सर, तो ध्यान रखना ये हम्पी में है, और हम्पी की जो लोकेशन है वो कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, पहला पॉइंट सही है। दूसरी बात लिखी है, महानवमी त्यौहार हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक था, दूसरी बात भी सही है, यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। इसी त्योहार को आज वर्तमान में नवरात्रि बोलते हैं, ठीक है, नवरात्रि पर्व के रूप में जाना जाता है महानवमी त्योहार, ठीक है। 121 देखिए, जैन जैन धर्म के बारे में यहाँ पे पूछा है, कौन सा गलत है, जैन धर्म की सॉरी जैन शब्द की जो उत्पत्ति है जैन शब्द से हुई है जिसका अर्थ आत्मा है, ये बात यहाँ पे गलत लिखी है, अर्थ आत्मा नहीं होता है, इसका अर्थ जो है जैन शब्द का अर्थ है विजेता, ठीक है,
विजेता। पहली बात गलत है, दूसरा है त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी, दूसरा सही है। ठीक है, दूसरा सही है। त्रिशला के बारे में पूछा जाता है, ये त्रिशला जो थी लिच्छवी गणराज के चीफ हुआ करते थे चेतक, ठीक है, ये चेतक की सिस्टर थी। यहाँ पे बट गलत पूछा है, ठीक है, ध्यान रखना, तो केवल एक हो जाएगा। चलिए थोड़ा बताइए, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तीर्थंकर 24 हुए, जिसमें से सबसे जो अंतिम थे वो महावीर महावीर स्वामी थे। तीर्थंकर का मतलब भी हम लोगों ने सीखा था, तीर्थंकर का मतलब द ग्रेट टीचर, ठीक है, ग्रेट टीचर। 122 देखिए, 122 में पूछा है गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? ये वंश इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वंश ने शासन किया था एक समय पर उत्तर प्रदेश पर और बिहार पर। बिहार और उत्तर प्रदेश जो क्षेत्र था इनके शासन का भाग हुआ करता था। इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था चंद्रदेव, ठीक है, सी ऑप्शन सही है, चंद्रदेव। कभी कभी इसकी कैपिटल भी पूछा जाता है, गढ़वाल डायनेस्टी की कैपिटल वाराणसी थी, वाराणसी। तो और यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपी पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए 123 देखिए, परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है 2019-20 रिपोर्ट के संदर्भ में बताइए। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स ये किस लिए है? ये बेसिक एजुकेशन के लिए है। तो यहाँ पे बेसिक एजुकेशन शब्द जुड़ गया है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस डिपार्टमेंट का होगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का काम होगा, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। इसको पहले किस मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता था? मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये पुराना नाम है। इस इंडेक्स को जिला स्तर पर मेजर किया जाता है और इसमें मेजर क्या किया जा रहा है, परफॉर्मेंस किस चीज का देखा जा रहा है, स्कूली स्कूली जो शिक्षा है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर है, उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्रालय का काम नहीं है ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी किया जाता है इस रिपोर्ट को। तो दूसरी बात तो यहाँ पे गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे दूसरे में क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जा रहा, गलत हो गया। पहले पॉइंट में लिखा है, पहला इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा। उत्तर प्रदेश के मथुरा और औरैया जिले, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज इस रिपोर्ट को रिलीज किया जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में मथुरा और औरैया ये जो डिस्ट्रिक्ट है स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है मथुरा और औरैया का, मथुरा और औरैया का। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट सही है, दूसरा गलत है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको अलग से याद रखना, पूछा जा सकता है। सिर्फ इतना ही पूछेगा कि परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है इसमें उत्तर प्रदेश के किन जिलों को अग्रणी स्थान मिला है, चार ऑप्शन बना देगा, बढ़िया बढ़िया से, तो ध्यान रखना। 124 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में 13वां एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य ऐसा है जहां पे सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे है, और नंबर भी याद रखना है क्योंकि नंबर में भी पूछा जा सकता है, राज्य के स्तर पर भी पूछा जा सकता है। और अभी हाल ही में जो सबसे रिसेंट इनॉग्रेशन हुआ किस एक्सप्रेस वे का हुआ, बुंदेलखंड का, ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। इसकी लंबाई भी याद रखना है 296 किलोमीटर, 296 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश का जो सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है वो कौन सा है, गंगा एक्सप्रेस वे, 594 पढ़ते हैं ना, 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपको कितने फैक्ट याद रखने हैं, उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे है, दूसरा पॉइंट है कितने हैं, 13 है, और सबसे रिसेंट बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को इनॉगरेट किया गया, 296 इसकी लेंथ है, और उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे 594 लेंथ है गंगा एक्सप्रेस वे की। चलिए 125, अवध के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता घोषणा की, स्वतंत्रता की घोषणा की? मुगल साम्राज्य से इंडिपेंडेंट होने की बात किसने कही थी? शहादत खान ने, अवध के ये शासक थे शहादत खान, ये बात है 1772 की। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके ना कि कुछ स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो गए थे, कुछ न्यू स्टेट्स बन गए थे, वही सारी चीजें। 126 देखिए, यहाँ पे संधियों पर विचार करें, अलाहाबाद की संधि 1765 बहुत ईजी है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये संधियां जो थी वास्तव में दो संधियां की गई थी, एक संधि तो जो मुगल सम्राट थे उस समय शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के साथ की गई थी, और पहली संधि की गई थी ये अवध के नवाब जो थे, अवध के नवाब। और इसके बाद है श्री रंगपट्टनम की संधि और मैंगलोर की संधि, ये सब तो यार अब रट जाना चाहिए क्योंकि हम लोग काफी बार पढ़ चुके हैं एंग्लो मैसूर वॉर, है ना,
एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें से हम लोग बेसिक फैक्ट पढ़ते रहते हैं। एंग्लो मैसूर वॉर जो द्वितीय था, इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और ये जो 1799 में वॉर हुई थी सबसे लास्ट वाली, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। यही पढ़ते हो ना? ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। DIS में किया था हम लोगों ने, GS वर्ल्ड में भी सीखा था। मैंगलोर की संधि हुई थी 1784 में, और उसके बाद की गई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। ठीक है, और अमृतसर की संधि की गई थी राजा रणजीत सिंह के द्वारा और अंग्रेजों के बीच हुई थी, ठीक है, 1838 में। तो अब यहाँ पे मिला लेना, सबसे लास्ट यही हो जाएगा चौथे नंबर का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी सही हो सकता है और सी ऑप्शन भी सही हो सकता है। सबसे पहले इलाहाबाद की संधि हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 127 देखिए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने, डिपार्टमेंट ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए? पहली बात तो यही याद रखें, ये जो मातृभूमि योजना है उत्तर प्रदेश की है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत लेवल पर डेवलपमेंट किया जाएगा और उन्हीं लोगों को इस स्कीम से सीधा जोड़ा जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत में जो रहने वाले निवासी हैं उन्हीं लोगों का यहाँ पे पार्टिसिपेशन रहेगा। तो जब यहाँ पे ग्राम पंचायत वाली बात हो रही है, तो यहाँ पे पंचायती राज विभाग काम करेगा ना, डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज। PCS में एक पोस्ट होती है DPRO, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, इसी विभाग को संभालोगे जिले स्तर पर। बी ऑप्शन सही है। 128 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद पूछा भी जा चुका है इस क्वेश्चन को। नारी को नमन योजना, ये स्कीम है हिमाचल प्रदेश की, और इसमें होगा क्या, महिलाओं के यहाँ पर डिस्काउंट है, छूट है, किसमें, किराए में, रेंट में, बस के किराए में 50%। ठीक है, चलिए 129, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। बाहुबली देखे ना, महा महाशिला कंटक और रथ मूसल, नवीन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया, इसको तो देखा होगा, एक बड़ी सी गुलेल की तरह होता है, यहाँ पे एक बड़ी सी रॉड रहती है और यहाँ पे पत्थर को फंसा के आगे फेंका जाता है। बाहुबली में अच्छे से दिखाया है। भल्लाल देव ने इस हथियार का यूज किया था, सभी को काटता जा रहा था, है ना, रथ के आगे ये ब्लेड वगैरह लगाई जाती थी, और इसी से फिर जो भी सामने आता था कट जाता था, सामूहिक हत्या के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये तो बाहुबली वाली बात हो गई। एंशियंट हिस्ट्री में किसने यूज किया था? अजात शत्रु द्वारा इन हथियारों को यूज किया गया था। बी ऑप्शन सही है। अजात शत्रु किस वंश के थे? हरियंग वंश, है ना, हरियंग वंश। 130 यहाँ पे देखिए, नया क्वेश्चन है, मुगल दरबार के बारे में यहाँ पे बताइए। मुगल दरबार में दरबारी होते हैं, ठीक है, दरबारी की यहाँ पे एक एक्टिविटी के बारे में पूछा गया है, उस एक्टिविटी का नाम है कॉर्निस। ये जो कॉर्निस एक्टिविटी थी, ये अभिवादन का एक तरीका था, ठीक है, इतनी बात तो सही है, लेकिन ये तरीका कैसे एग्जीक्यूट किया जाता था, ये यहाँ पे पूछा गया आपसे। इसमें कहा गया है, जिसमें दरबारी अपने बाएं हाथ की हथेली को छाती के विपरीत रखकर सिर झुकाते थे। ये गलत है, इसमें होता क्या था, इसमें दाएं हाथ का यूज होता था, और दाएं हाथ की जो पाम है, तलहटी है, इस पाम को फोर हेड पर रखा जाता था, ललाट पर रखा जाता था, और ललाट पर रख के फिर झुकता था इंसान। ये पहली बात गलत हो गई। दूसरी है, तस्लीम का तात्पर्य समर्पण से था। तस्लीम ये भी एक एक्टिविटी थी, अभिवादन का एक तरीका था, और इसमें हाथ को जमीन पर रखा जाता था, दाएं हाथ को जमीन पर रखने से ये तस्लीम एक्टिविटी शुरू होती थी। दाएं हाथ की पाम को वो जमीन पर रखता था और वो फिर वो धीरे धीरे उठता था। मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दे रहा हूं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात सही है, पहली बात गलत है। 131 देखिए जल्दी से, कथन कारण का क्वेश्चन है। मौर्य प्रशासन ने प्रांतीय प्रशासन पर जोर दिया। यहाँ पे प्रांतीय प्रशासन लिखा हुआ है, तो प्रांतीय प्रशासन से एक बात समझ में आ रही, एक सेंट्रल रीजन हुआ करता था, और इसी सेंट्रल रीजन को, यानी एक बड़े से क्षेत्र को प्रांतों में बांटा गया होगा, और इस प्रांतों पर शासन करने वाला एक इंसान हुआ करता था, एक इंसान होता होगा जिसे गवर्नर बोलते थे, और ये जो प्रांत हुआ करते थे, ये कुछ प्रांतों के नाम यहाँ पे कारण में लिखा हुआ है, उज्जैनी, सुवर्णगिरी, तौसली और तक्षशिला। यहाँ पे गवर्नर बैठे थे, ठीक है, मौर्य प्रशासन में गवर्नर बैठे थे, तो एक कारण से प्रूफ हो रहा है कथन, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 132, चंदावर का युद्ध कौन कौन था? मोहम्मद गोरी और जयचंद, ठीक है, जयचंद। चंदावर एक जगह का नाम था, फिरोजाबाद के पास है, और इस युद्ध को कब लड़ा गया था?
1194 में, ठीक है, 1194 में इस युद्ध में जयचंद का खेल हो जाता है, मोहम्मद गौरी इसको मार देता है जयचंद को। यह युद्ध गढ़वाल वंश का अंतिम युद्ध था, ठीक है, अंतिम युद्ध था ही जब ये खत्म ही हो गए थे, पहली बात सही है। 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था, दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। इस युद्ध के बाद क्या हुआ था, नॉर्थ इंडिया जो था, नॉर्थ इंडिया पर पूरा कंट्रोल स्थापित हो गया था मोहम्मद गौरी का, ठीक। 133 देखिए, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया था, नेशनल जियो साइंस अवार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 से मत समझना कि ये पुराना क्वेश्चन है, ये वर्तमान का ही क्वेश्चन है। ध्रुव सेन सिंह, उनको मिला है ये राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार। 134 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट पीडीएम में बढ़िया से कवर किया गया है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अगस्त मलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है के लिए स्थानिक है, स्थानिक यानी एंडमिक है। एंडमिक का मतलब होता है कि ये प्रजाति सिर्फ और सिर्फ इसी जोन में पाई जाती है, इसी रीजन में पाई जाती है, इसी क्षेत्र में पाई जाती है। और इसके बारे में क्या पढ़ा था अभी रिसेंट पीडीएम में, तो मैंने आपको रोडोडेंड्रॉन के बारे में पढ़ाया था, और अगस्त मलाई जब यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा था हम लोगों ने चेनकुरुंजी के बारे में, ठीक है। चेनकुरुंजी ये क्या है, एक औषधीय पेड़ है, औषधीय प्लांट है, और इसका सबसे बड़ा फायदा हम लोगों ने किसमें पढ़ा था, गठिया के रोग में, गठिया का रोग 100% सही हो जाता है इससे, चेनकुरुंजी से, ये ऑप्शन सही है। रोडोडेंड्रोन के बारे में बताइए, अभी रिसेंट जो फरवरी की पीडीएफ में इसमें कवर किया इसको, ये क्या है रोडोडेंड्रोन, ये भी एक प्लांट है, प्लांट नहीं फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर का नाम है। बहुत सारी प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं भारत में रोडोडेंड्रोन की, और इसी को अभी मेंशन किया गया था लिस्ट में। 135 देखिए, संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था, यूनाइटेड प्रोविंस कांग्रेस कमेटी, इसको चेयर किया गया था मोतीलाल नेहरू द्वारा, डी ऑप्शन। 136 आसान सा क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में बताइए, यह भारतीय युद्ध बंदियों की एक सेना थी, पीओडब्ल्यू, पीओडब्ल्यू यानी इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो होते हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा इस आर्मी को बनाया गया था। दूसरा है आईएनए की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह द्वारा की गई थी, तो सबसे पहले माइंड में इन्हीं के माइंड में आया था कि एक इस तरह की नेशनल आर्मी होना चाहिए, तो इस आर्मी को बनाने का जो श्रेय जाता है वो मोहन सिंह को ही जाता है, यहाँ पे दोनों बातें सही है। 137 देखिए, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग को परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से ऑनलाइन पोर्टल है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो वेब पोर्टल्स हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, इन पोर्टल्स की संख्या है 6, और इन 6 वेब पोर्टल को 6P के नाम से जाना जा रहा है, जिनमें से पहला है पुस्तकालय, प्रज्ञान, प्रवीण, पहचान, पंख और पहुंच। ये सारे के सारे क्या हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं। प्रज्ञान हो जाएगा, पहचान हो जाएगा, पहुंच हो जाएगा, प्रतिष्ठान नहीं है, ठीक है, चौथा हटा दीजिए, 1 2 3 हो जाएगा करेक्ट। चलिए 138 है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जिसे NDRI के नाम से हम लोग जानते हैं खबरों में रहा, यह कहाँ पे है, ये करनाल में है ना, करनाल कहाँ पे है, हरियाणा में है, डी ऑप्शन सही है। जानवरों के क्लोन बनाने में इस संस्था की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, ठीक है। 139 देखिए, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया, उस समय कौन था भारत में, नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद, डी ऑप्शन सही है। इनका समय कब था, 1394, 1412। अब बताइए ये कौन से वंश में थे, ये दिल्ली सल्तनत का टाइम है ना, स्लेव डायनेस्टी, इसके बाद खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद, और लास्ट में लोधी, और ये आक्रमण किया गया था 1398 में, 1398। ये आपको होमवर्क है, होमवर्क में बताइए नसरुद्दीन महमूद किस वंश से बिलोंग करता था इन पांचों वंशों में से, ठीक है। 140 देखिए, चिश्ती परंपरा के संदर्भ में बताइए, इस क्वेश्चन को भी हम लोग शायद कर चुके हैं, चिश्ती परंपरा में हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं, बासरा बेसरा ये सारी चीजें सूफी संत के बारे में पढ़ते हैं, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा भी था, कुछ लोगों ने कमेंट किया भी था, बेसरा और बासरा ये दो स्ट्रीम हुआ करती थी, ये बिलीफ सिस्टम हुआ करता था। यहाँ पे पहली बात लिखी है सूफी संतों की तीर्थ यात्रा जिसे जियारत कहा जाता है समूचे इस्लामी जगत में प्रचलित है, ठीक है, ये बात सही है, जियारत के बारे में याद रखें। सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है ना कि जियारत ये है क्या, ये चिश्ती परंपरा में जियारत क्या था, तो वहां पे ऑप्शन में आपको एक तीर्थ यात्रा दिख जाएगा, तो इसको दूसरे तरीके से भी ध्यान रखना।
दूसरी बात है चिश्ती नगद और वस्तु के रूप में दान स्वीकार करते थे। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। और इनको ये जो दान मिलता था नगद के रूप में, वस्तु के रूप में, तो इन सभी से प्रॉपर्टी जनरेट नहीं की जाती थी इनके द्वारा। आपने एक शब्द पढ़ा होगा समा, समा की महफिल, गायन की महफिल। तो ये जो महफिल हुआ करती थी, इन्हीं महफिल में इन सब पैसों को खर्च कर दिया जाता था सूफी संतों द्वारा। 141 में पूछा है मौर्य साम्राज्य के बारे में बताएं। अशोक के प्रशासन में प्रतिवेदक, प्रतिवेदक इंग्लिश में भी प्रतिवेदक ही लिखा है, प्रतिवेदकों ने राजा को जनमत की राय से अवगत कराया। पहली बात यहाँ पर सही है, प्रतिवेदकों ने राजा को पब्लिक ओपिनियन के बारे में अवेयर कराया, इन्फॉर्म किया। ठीक है, यहाँ पे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात है कौटिल्य ने राजा द्वारा स्थानीय नामक मुख्यालय स्थापित करने की अनुशंसा की। ठीक है, दोनों बातें ठीक है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, अर्थशास्त्र किसके बारे में बताता है? इसी साम्राज्य के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ना। और मौर्य प्रशासन के बारे में तो अक्सर पूछा जाता है। आपने स्थानिक के बारे में पढ़ा होगा, स्थानिक है, ठीक है, स्थानिक और गोप। कई बार क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस ने कि मौर्य साम्राज्य में ये जो स्थानिक था या फिर गोप था, ये थे क्या? ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, ये प्रशासनिक इकाइयों के प्रभारी होते थे, चीफ हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो हुआ करती थी, प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी, इन्हीं के ये मुखिया होते थे। ठीक है, स्थानिक और गोप। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई थी, सबसे छोटी यूनिट थी, उसका नाम क्या है? उसका नाम सिर्फ और सिर्फ गांव है। ठीक है, 142 बताइए, अकबर की निम्नलिखित विजयों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले तो अकबर का काल बता दीजिए, 1556 और 1605 में ये निपट जाते हैं, तो जो काम होगा इसी टाइम फ्रेम के अंदर होगा। जिसमें से सबसे आसान जो लग रहा है, हल्दी घाटी का युद्ध हम लोग पढ़ते हैं 1576, हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप के साथ। मालवा, मालवा पर विजय 1560-62, चित्तौड़ पर विजय 1568, कांधार पर विजय 1595 और हल्दी घाटी ये 1576। तो यहाँ पे मिला लीजिए, सबसे पहले मालवा हो जाएगा और सबसे लास्ट में कांधार हो जाएगा। 95 बी ऑप्शन सही है। 43 देखिए, 143, किस संस्थान में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा यानी इंडियाज फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है? करेक्ट आंसर है आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, आईआईटी हैदराबाद सी ऑप्शन। हैदराबाद में एक बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट भी है, फिंगरप्रिंटिंग वाला, डीएनए डायग्नोस्टिक फिंगरप्रिंटिंग, याद आ रहा। चलिए 144, किन दो संस्थानों ने शहरी प्रकृति आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया? अर्बन नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच पूछा है, इसको इनॉग्रेट किया गया है WRI इंडिया द्वारा और NIUACQ। 2 और 3 यहाँ पर सही आंसर है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स, और WRI का मतलब है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ध्यान रखना, टेढ़ा क्वेश्चन है थोड़ा। 145 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में पहली समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी? आसान आसान से क्वेश्चन है, ये लोग चित्तू पांडे पढ़ते रहते हैं और जगह भी पढ़ते हैं, बलिया, बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना करने वाले चित्तू पांडे थे, इसी के चलते इनको बलिया का शेर बोला जाता है। 146 यहाँ पे गवर्नर और नीति, आसान सा क्वेश्चन है, कंपनी की सीमाओं की रक्षा करने के लिए एक नीति को लॉन्च किया गया था, रिंग फेंस की नीति, रिंग फेंस यानी घेरी की नीति, और इसको लॉन्च किया गया था हेस्टिंग्स के द्वारा, बारिन हेस्टिंग्स के द्वारा। सहायक संधि किसकी थी? वेलेस्ली की थी, लॉर्ड डलहौजी, ये व्यपगत नीति हो जाएगी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो जाएगा, और लॉर्ड लिटन, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, ये D का 3 हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक, भी ऑप्शन सही है। 147 देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्च कब किया गया था इस अधिनियम को, इस अधिनियम को लागू कब किया गया था? 2013। इस अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के संदर्भ में बताना है। चलिए देखते हैं, फूड सिक्योरिटी में सबसे अच्छी स्थिति किसकी है? इसको भी हम लोगों ने करंट अफेयर्स वीडियो में तैयार किया था। उड़ीसा का स्थान पहला था इस इंडेक्स में, और
उत्तर प्रदेश का खास तौर से हमने उन्हें जोड़ दिया था, उत्तर प्रदेश का स्थान था दूसरा। ये आपको उत्तर प्रदेश की स्थिति ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए जो रैंकिंग इंडेक्स बनाया गया है। पहली बात लिखी है उड़ीसा सामान्य श्रेणी के राज्यों में प्रथम स्थान पर है, सही बात है। तो यहाँ पे आपने सबसे बढ़िया स्थिति देख ली उड़ीसा की और यूपी की, और सबसे गंदी स्थिति जो है वो है पंजाब की, हरियाणा की और दिल्ली की। ये दो आपको स्टेटमेंट याद रखना है, दो फैक्ट याद रखना है। दूसरी बात देखिए, पंजाब हरियाणा दिल्ली सबसे निचले 5 राज्यों में से शामिल है, ठीक है, दोनों सही है। यहाँ पे याद रखना है सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है इस इंडेक्स से रिलेटेड। 148 देखिए, किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया गया गूगल के द्वारा, बी ऑप्शन स्टार्टअप स्कूल इंडिया। 149 किस वर्ष में हाइडी स्पीस का युद्ध लड़ा गया था, इस युद्ध को लड़ा गया था 326 BC में, ठीक है, 326 BC में सिकंदर और पोरस के मध्य। पोरस के बारे में जानते हैं ना, सेना बहुत मजबूत थी इसकी, सेना बहुत मजबूत थी, फिर भी ये हार गया था सिकंदर से। बट सिकंदर ने इसका कुछ नुकसान नहीं किया था, सिकंदर ने इसको अपने ही सिंहासन पर बैठा दिया था। 326 BC करेक्ट आंसर। 150 देखिए, यहाँ पे अकबर कालीन भूमि के बारे में पूछा है। देखिए यहाँ पे चार तरीके की भूमियों का जिक्र है, एक भूमि का नाम है पोलज, दूसरी भूमि का नाम है परौती, तीसरी का नाम है चाचर और चौथी भूमि का नाम है बंजर। अब यही बता देना कि पोलज किस तरह की भूमि थी, परौती किस तरीके की थी। पोलज ऐसी भूमि हुआ करती थी जिस पर हमेशा खेती की जाती थी, ठीक है, इसको कभी भी पड़ती के लिए नहीं छोड़ा जाता था। पड़ती के लिए मतलब इसको खाली नहीं छोड़ते थे, कभी भी खाली नहीं ये छोड़ी जाती थी, यानी एक तरह से सक्सेसिव वे में क्रॉप यहाँ पे कल्टीवेट की जाती थी पोलज में। पहली बात सही है, पर्वतीय भूमि में क्या होता था, यहाँ पे कुछ दिनों के लिए भूमि को छोड़ दिया जाता था, कृषि नहीं की जाती थी ताकि उसकी जो फर्टिलिटी होती थी वो वापस आ सके, रिटेन कर सके। ये लिखा है यहाँ पे, उर्वरता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में खेती नहीं की जाती थी, ये ठीक है। चाचर भूमि ऐसी भूमि हुआ करती थी जिसे 3-4 वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता था, कोई भी खेती नहीं की जाती थी। तीसरी बात भी सही है, और चौथी बात में बंजर के बारे में पूछा है, तो 5 वर्ष से या फिर उससे अधिक के लिए खेती नहीं की जाती थी, वो बंजर थी। यहाँ पे चारों बातें सही लिखी हैं, अकबर कालीन जो भूमि थी, ठीक है, क्लासिफिकेशन यहाँ पे पूछा था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है साहब लोग, तो यहाँ पे टेस्ट नंबर 3 हम लोगों ने दृष्टि कंप्लीट कर लिया है, मिलते हैं टेस्ट नंबर 4 में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।